माशाल्लाह इसलै जेड़ा होवे ना हुण जा रही है साड़ी सैरी तकने इसलै तक ओह चश्मे च पानी कितना सोहना जान लगे आ राती भी ऐदा जी हुण मर्च पैनी है भी ताजी पानी बया बस। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करना सा सारे वालों सो मैं इरफान जफर तुसा तक ही रहो कश्मीर टीवी। इसलिए राती जनाबे वाला कोई 8 बजे ना टाइम है ते जिसा कि तुसा की पता सारे दोस्त बगड़ू साहब बकरवाल कबीला जनाब इत्थे आया वै काफ़ी वीडियोज़ भी तुसा तक ही चुके, लेकिन वैसे तो मैंने इन्हें नाल सफ़र किया तो डिफरेंट वीडियो तुसा तक ही उस सन इन्हें रूटीन टुरने नहीं किस तरह मुश्किल इन्हों जिंदगी के सन, लेकिन रमज़ान शरीफ एक स्पेशल मैं वीडियो इन्होंने नाल बनाना चाहना वा के मतलब सहरी थू नहीं क्या अफतारी तक इन्हों दिन किस तरह ना गुजरना है, सहरी किस तरह नहीं होनी, अफतारी किस तरह नहीं होनी है। तो इस वजह थू मैं राती इन्होंने कोल हूँ आई गया वा तो इतने ही रात गुजार सा जनाबे वाला रात ने भी कोई ब्लॉग तो सी दसा सहरी भी अफतारी भी और दिन किस तरह इन्होंने गुजर सी जनाब भड्डा ने नाल वो सारा कुछ सी दसा बड़ा ही यूनिक किस्म ना ब्लॉग है। तो आइयो जनाब तो तको माशाल्लाह सर रात किस तरह गुजरनी है और कल अल्लाह पाक खैर की तो इतना ब्लॉग नहीं एंडिंग कर सा जनाब। माशाल्लाह जी मैं हूँ अपना कैंप जरा वा ना बगड़ू साहब ने डेरे ने नाल ही लाण लावा आज जो याद पुरानी ताज़ा कर सा सफर ली जरा बड़ा अरसा इन्होंने नाल माशाल्लाह सफर किया ता जो याद ताज़ा उसी बगड़ू साहब नाल रही गया। हाँ पिछली बारी मैं 2.5 to 3 महीने बगड़ू साहब और नाल सफर किया सी पता नहीं खुलना कुछ नहीं जे लगी गया वे दो दरवाजे खोली छोड़न ते इसलिए मठी मठी जड़ा ना तेज तेज ठंडक होनी जानी है क्या के रात ने जड़ा ना 10 ना टाइम है इसलिए ते एदा साड़ा कैंप बहुत ही बेहतरीन लगी गया वे उधर बगड़ू साहब ते सारे सेसन ते इसने विच मैं सेसा जनाबे वाला और इस कैंपेन विच एक व्यू तुसा की दसना बहुत ही आखरी लेवल ना व्यू है जनाब। इधरों कैंपेन व्यू तको हाँ उधर तो साड़े कारण अगे है लेकिन इसलिए तुसा की मंजर दसने अपर तको के फुल मून जनाब वाला पूरा चंद मैं जूम करना तुसे दसना जनाब तको हाँ नज़र मारो हाँ इसलिए चढ़ाने विच है चंद लेकिन ये माड़ा इसलिए कैंपेन विच जनाब वाला व्यू है माशाल्लाह इसलै जेड़ा होवे ना हुण जा रही है साड़ी सैरी तकने उसो रोटियां पिया पकड़ियां चाह माड़े ख्याल पक्की चुकी है कहने बाबू चाह दस इन पक्की चुकी है जनाब ते 3:30 टाइम है तो माड़े ख्याल 3 बजे उठी गए मैं तो मसे हूँ ही उठिया वा तो सैरी तुसा की माशाल्लाह दसने आ क्या ही खूबसूरत रौनक है इसलै सही बाहर ने मंजर कराने बाहर तो इसलिए कोई मंजर ही नहीं इसलिए माड़े ख्याल परौंठे पे पकन लगे कहने बाबू साहब परौंठे पकने माशाल्लाह जी इसलिए परौंठे पे पकन लगे नजर मारो हाँ आय हाय हाय डाढ़ी भुख लगी है इसलिए दूर दूर तक जनाब वाला तक सो कुछ दिसना ही कौनी ते आसमान चन्न भी जड़ा है ना वह भी झड़ा छप्पी गया वे ऐ तक हाँ साड़ी अफतारी भी पकनी है जड़ी माशाल्लाह माशाल्लाह जी हूँ असा सारे जड़ा ना रली मिली के ते सहरी करन ले तक हाँ अज परांठे डैम ने तंदा कहने बाबू साहब बहुत ही प्यारे परांठे जनाब वाला पक्के और मैं बड़ा खुश नसीब हाँ क्या सहरी भी जड़ा ना बगड़ू साहब नाल करन लग आए वाह सरगी कैसी लगी भाई बैना जी मजा आई गया इस सरगी ने जनाब क्या ही बात है बगड़ू साहब टैमे ने दंदा रौनक लाई हुई है सारे रौनक तो बस तुसा ना प्यार है बगड़ू साहब
वरना मैं बंदा ही ना चीज कुछ भी ना सच्ची जड़ी गल है तो सा इतना प्यार करने हो मारना आज दिन तक जितनी बार भी मैं पगलू साहब नाल त्रै महीने सफर भी किया ना ही ना कि महसूस होने दिता वै कि मैं गोपरा बंदा तो ना ही ना मिगी होने दिता ये गल है या नहीं बगल मैं ना रिश्ते इही होने ने सास ने प्यार मोहब्बत ने जेड़ा माड़ा तो इन्हों ने ना लेना कायम हो दाए मल्ला पा किसी रखे बस तसैरी करने फिर इंशाल्लाह से चश्मे जोलसा इसलिए राती हाले तो मिशक है कोई तकरीबन चार ना टाइम होया वै तो लो सी जाई के साढ़े पांच तो बाद माशाल्लाह जी रोजा बंद हो गया और फजर नियां पियां अजाना होन लगियां माशाल्लाह जी ए उही चश्मा वै जेड़ा तुसा कि मैं दसना होना सा दिहाड़ी साड़ी गाड़ा ने गार उधर है डेरा इधर अपर बगड़ू साहब का इसलिए तक वह चश्मे चु पानी कितना सोहना जान लगे राती भी जरा माशाल्लाह ते हुण सहरी तुसा तकी कहिंदी हुण वुजू करने आ नमाज फजर वास्ते ते फिर जेड़ा ना अगे तुसे दसने आ व्लॉग सारा ओ पहले पहले आने होने सर ना कि राती घरों बाहर नहीं निकली ना ये चीज़ होनी है वो चीज़ होनी है इन्होंने जिंदगी तक ही क्या ना ते नाल मैं भी इन्हों की जिंदगी पे जीण लगे हाँ अज ते इस तू पहले उसे पता त्रै महीने इन्होंने नाल रहा ते कोई चीज़ नहीं तकी है जी जी ते हूँ नमाज फजर तू बाद फिर सेसा सारे सही गए ते जल लोस इंशाल्लाह ते फिर अगू तुसा कि ना दिहाड़ी ने सारा व्यू करासा और किस तरह मॉर्निंग उसी बाकी इंशाल्लाह वो भी तुसा कि दसा फिलहाल घंटा का खिलाई किन्ने आन जे चाहिए लो होनी अल्लाह पाक खैर कर माशाल्लाह जी सुबह हो चुकी है बड़ी प्यारी और खूबसूरत जड़ी है ना इसलिए सुबह वै नज़र मारो हाँ निक्के कुत्ते जागी पेन पाड़ू की शहजादी भड्डा ऑलरेडी जड़िया अगे निकली चुकी हैं तो जुलने तुसा कि भड्डा ने व्यू कराने इसलिए परिंदे तक कितने सोहने जाई रहे ना समान ने विच अपने रिजक रोजी ने तलाश ने विच जाई रहे इसलिए अपर काले चार्ज बनते हुए को बारिश ने शायद आली गल है प्रोग्राम आवे नाल दरिया इसलिए फुल स्पीड जाई रहा है तको हाँ बिल्कुल सवेले सवेले कितना खूबसूरत और पीसफुल व्यू है इसना इसलिए काफ़ी तेज़ जड़ी है ना स्पीड है दरिया ने भी क्योंकि हूँ दो दरिया जड़े ना ये चलने पे पुंछ भी तो जेलम भी बाकी तो तकने उसो डैम ओवरऑल खाली है माशाल्लाह जी भड्डा चुगने वास्ते आई गई ए तकने उसो ते रोज तुसे आने हो इना की अच्छा ते और सुनाओ सेहत सेहत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का क्या नाम सी तुसा ना पूरा खालिद हुसैन साहब जनाब साडे नाल है ते इसला तकने उसो है दा पड्डा ही निका आए ते पड्डा चुगन लगियां ना हाले तक सूरज जेड़ा ना ए नहीं चढ़िया ते इना की चंगी भूख लगी हुई है सवेले सवेले यार रोज आपे उठी अछियां नहीं उथो आने हो आपे उठदा नहीं अच्छा अच्छा आपे नसी अछियां बाकी जने बाद ही चचसन मगर जी ये निका तो आई गए भड्डा घलियो ही हूं इसल चरा लगे हाले सूरज सामने थू थू निकलना लेकिन नहीं निकलिया शायद चाढ़ा अज तो माशाल्लाह अज तुस इन्होंने मॉर्निंग रूटीन तकी कहती उसी कि किस तरह जनाब वाला सहरी थू निका तो इसलिए भड्डा ही निका तो आई गए माश हाँ इधर तक ना उस जनाब जहाज भी जाई रहा वै बड़े दूरों जूम किते आवे ऑलमोस्ट हर रोज ही तू जाने जहाज जनाब ए माशाल्लाह बगड़ू साहब ना निका बेटा जनाब वाला सब तू निका तको हाँ सवेले सवेले जाई रहा वै भड्डा दर ए सामने भड्डा चुगन लगी हैं
ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸੀ ਭੱਡਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕੋ ਹਮਾਸ਼ਾਲਾ ਨਿਕਾ ਜਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਪਰ ਆਈ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਲਾ ਫਾਈਨਲੀ ਸੂਰਜ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਂ ਥੋ ਉੱਪਰ ਆਈ ਚੁੱਕਿਆ ਵੈ ਤੱਕੋ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਇੱਧਰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਰਿੰਦੇ ਸ਼ਰਿੰਦੇ ਪੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਵੇ ਕਾਲਾ ਤਿੱਤਰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਉਹ ਸੀ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਮਾਸ਼ਾਲਾ ਇਸ ਜੰਗਲ ਕਾਲਾ ਤਿੱਤਰ ਮੋਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਅਸਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੁਨ ਇਹ ਤੱਕਣੇ ਉਸ ਨਿੱਕਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਇਹਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚਸ਼ਮੇ 'ਚ ਅਸਾਂ ਭਰੀ ਕਾਂਢ ਸਕਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਅਫਤਾਰੀ ਨੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੱਡਾਂ ਪੁੱਜੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਚਸ਼ਮਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਜੇ ਸਤਸਵਾ ਕੀ ਪਤਾ ਵੈ ਤਾਂ ਉਸ ਚਸ਼ਮੇ 'ਚੋਂ ਅਸਾਂ ਪਾਣੀ ਆਣਨਾ ਵਾ ਅਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੱਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਸ ਲੈ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਚਸ਼ਮੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੱਕ ਉਹ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕਿਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟ ਕਰ ਸਨ 2-3 ਘੰਟੇ ਘੰਟੇ ਭੱਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੈਸਟ ਕਰ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕਣੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਕਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਧੁੱਪ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਫਤਾਰੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਨਾ 3 ਘੰਟੇ ਰਹੀ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸਾਂ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਬਗਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੇਰੇ ਤੱਕਣੇ ਉਸ ਅਫਤਾਰੀ ਹੈ ਬਨਾਸਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਨਾ ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਅਸਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਸਾਂ ਰੋਸਟ ਕਰਨਾ ਵੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਨਾ ਮੁਰਗੇ ਕੀ ਸਾਲਣ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਾਂ ਬਾਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਕੱਪ ਟੁੱਕ ਕਰਸਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਓ ਰੋਜ਼ਾ ਕੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੱਠੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੇ ਹਵੇ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਰੂਟੀਨ ਵੀ ਸਾਰੀ ਤੱਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਅਫਤਾਰ ਹੋ ਸੀ ਸਵੇਲੇ ਬਲਕਿ ਰਾਤ ਤੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਅੱਜ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਧੋਣੇ ਆ ਗੋਸ਼ ਹੋਸ਼ਤ ਬਹੁ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਧਨੀਆ ਸ਼ਨੀਆ ਕੀ ਧੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਣੀ ਤਾਂ ਇਸੀ ਖਾਲੀ ਕਿਆ ਸਨਾ ਨਾ ਟਮਾਟਰ ਸ਼ਮਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਬਾਹਣੇ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਸ਼ਰਚਾਂ ਗੋਸ਼ ਹੋਸ਼ ਧੋਣੇ ਆ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਉਣੀ ਹੈ ਬਗੜ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕਾਸਣ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਕੁਮਾਰਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾਲਾ ਮਦੋਸ਼ ਬਗੜ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਨੇ ਬੱਚੇ ਸੁਹਾਣੇ ਹੋਈਏ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਅਫਤਾਰ ਨਾ ਗੋਸ਼ ਤਾਈਏ ਵੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਧੋਈ ਛੋੜਿਆ ਵਾ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਆਟੇ ਕੀ ਗੁੰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਹਾਂਡੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਛਿਲ ਛਿਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰਨ
छिलन भी जा बाबू साहब क्या वजह थूम छिलन किया नहीं होना क्या नहीं चमड़ी की ऊपर ब्रेक कर दे कटने है ना जनाब वाला राजा जनाब साड़ा चूल्हा तकने उसो बटियां ने बनी गया वे इसने ऊपर क्या रखिया जासी जी इसने ऊपर जनाब साहब वास्ते बनाया ने इधर ता वो जनाब मुर्गा बनसी हाय हाय इतना जनाब साने रोस बरसन ए तको जी मास्टर शेफ कैसा नाम है आई गए ते एको असा की गुर सिखाओ जी मास्टर शेफ ए क्या बनसी इसने विच मुर्गा ए जनाब मुर्गा बनसी ते जेड़े ना पहलवान होने ना हां हां मर्च पैनी है ताजी ताजी मर्च बच्चे जनाब सुका भुना बनी रहा असा इस बार सालन जड़ा ना इतना नहीं बनाना लो जी जनाब साड़ा तैयार हो गया वे मुर्गा ये परदेसी मुर्गा सी जनाब देसी मुर्गा ना समझे प्योर असल परदेसी फार्मी मुर्गा आए हाय 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 माशाल्लाह जी माशाल्लाह व्यूवर जिसल थे दिले नहीं क्या कंडीशन है माड़ा मतलब है कि मुंह च पानी आई रहा उसी भाई ये बोटियां आए हाय 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 ते ये इधर तको ना जनाब इसलिए ये तैयार हो रहा रोशक क्या ही बात है जनाब ओए होए 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 ऐ तको जी रोशट आई गया वे साड़ा क्या ही बात है इसनी ओए होए होए रोशट बकाया जड़ा रोस्ट है ना वो भी लिकड़े आई रिया वे इंजीनियर साहब तकने उसो के रोटी पकाई रहे ने ते बगलू साहब उधर फ्रूट पे कपण लगे वे ए खाली कैसा ना गारा शारा या ट्री हाउस नहीं बनाने इंजीनियर साहब रोटियां भी बनाई सके कोई मसले ली गल ही नहीं जनाब इना वास्ते यानी कि अरफान मौला अरफान जी मार नाल जितने बंदे ना अल्हम्दुलिल्लाह अरफान मौला जनाब ऐदा जनाब वाला तैयार हो गए माल्टे सूए सूए ते पीले पीले तो उधर केला ते खकड़ी ते माल्टे ही माल्टे जनाब ग्रां थोड़ी
ਆਏ ਬੈਜੋ ਬੈਜੋ ਨਾ ਮੈਂ ਬੈਸਾ ਪਾਰ ਆ ਚੋ ਬੈਸਾ ਚੋ ਹੋ ਨਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਪਾਰ ਆ ਚਨਾ ਉਥੇ ਰਾ ਸਜ ਤੂੰ ਆਈ ਜੋ ਪਾਰ ਆ ਪਾਰ ਸਜ ਲਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਖਲਦੇ ਨਾਲ ਆਜ ਓਏ ਆਜ ਆਜ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗੁਦਾ ਐਸ ਪਾਸ ਉੱਪਰ ਅਛੋ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁਦਰ ਗਏ ਓਏ ਅਛੋ ਨਾ ਹੋਏ ਅਛੋ ਅਛੋ ਆ ਵਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਪਿਆਦਲ 2 ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਗਏ माशाल्लाह जी हूँ अफतारी की कोई 21 मिनट रह गया सारे सारे मेहमान खास अभी आई चुके हैं साढ़े अबू ने दोस्त साढ़े अपने दोस्त है बगलू साहब उन्होंने सारे बंदे आए बह गए अस माशाल्लाह हूँ 2-3 मिनट तक इंशाल्लाह रोज़ा साढ़ा खुल सी और सतक क्या उसी कि कितना खूबसूरत माहौल है और इन्होंने अफतारी और सहरी की रूटीन भी माशाल्लाह तक की है कि किस तरह और कितना ही पुरसकून इसलिए मंजर है यकीन करो कि लफ्जा बयान नहीं हो सकना कि अल्लाह ताला ने ये जो कुदरत है ना इसलिए नेचुरल माहौल है इस वास्ते कोई अल्फाज नहीं बहुत ही पुरसकून है माशाल्लाह ए बंडो खजूर खजूर बंडो ए पोड सल चा 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 मिनट मारो चा चा भाई इसको मैं अच्छा अच्छा पहले ही गलती की थी ना सारे बीच पाए हो चा चा हां असली थोड़ा थोड़ा सारे जो है ना वो थोड़ा सही हो जाना था अरफान नो पारू वाले ना खुल गया ही रोजा खुल गया हो गया हो गया रहना खजूरत है माशाल्लाह जी हूं तक हूं रोटी ना टाइम है साड़ा ते सारे बेही के इंशाल्लाह जड़ा वे ना अल्लाह खैर कीती ते रोटी खासा ਕੋਟੀਆਂ ਨਾ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀਵਰਸ ਤੁਸਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਕੜੇ ਹੋ ਸੋ ਐ ਤੱਕੀ ਨੋ ਸਾਰਾ ਬੱਕਰੇ ਨ ਗੋਸ਼ਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਐ ਤੱਕੋ ਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਆਣਾ ਸਨ ਜੀ ਬਈ ਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਬੋਟੀਆਂ ਲੈ ਉਹ ਤੱਕੋ ਬੰਦੇ ਖਾਣੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਖਾਣੇ ਅਸਲ ਮੈਸਾ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਸੀ ਢਲਾਈ ਹਾਲ ਸਲਿਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਓਹ ਹੋ ਅੱਛਾ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਅਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਤੱਕੋ ਹਾਂ ਇਸਲੇ ਪਿਓਰ ਦੇਸੀ ਦੁੱਧਾ ਨਹੀਂ ਪੱਡਾ ਨੇ ਦੁੱਧਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਪ ਹੀ ਪੜਨੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆਇਓ ਜੀ ਐ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਜੀ ਦੁੱਧ ਵੀ ਆਈ ਗਿਆ ਵੈ ਮੈਂ ਉਧਰ ਬਿਜ਼ੀ ਸਾਂ ਅਫਤਾਰੀ ਚ ਬੋਟੀਆਂ ਖਾਣਨ ਚੱਕਰਾ ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਪੜ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਉਸੇ ਚੋਣੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਲੱਗੀ ਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਨਸਾਨ ਨੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਵਾਲਾ